हे गाइस, कल मैंने बताया था कि कैसे आप कार्बोल प्लस कैप्सूल यूज़ करके हेना लीफ से डायरेक्टली हेना डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं आज इसका एक ऑल्टरनेटिव शेयर करने वाली हूँ, तो ये है वॉलिनी स्प्रे। जी हाँ, आप वॉलिनी स्प्रे की मदद से भी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्प्रे को हाथों में लगाइए और उसके बाद एक आसान सा डिज़ाइन मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लावर बनाया है और जो लीफ मैंने लिया है वो नियर अबाउट सेम साइज का है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा और कुछ डिज़ाइन भी बनाया है ऊपर। तो मेरे पास लीफ उतना ज़्यादा नहीं था, तो इसके लिए मैंने बहुत गॉर्जियस डिज़ाइन नहीं बनाया। तो आप ऐसे कोई सा भी डिज़ाइन बनाएं, और मेहंदी लीफ अगर आपके पास नहीं है तो आप जुगाड़ कर सकते हैं कहीं से, क्योंकि किसी ना किसी के पास तो हो ही जाएगा। मेरे पास भी पहले नहीं था मेहंदी का लीफ, तो मैंने मंगवाया है कहीं से। आप एक काम करो, आप इस वीडियो को शेयर करो और दोस्तों को पूछो कि आपके घर में मेहंदी लीफ है क्या नहीं। यहाँ पे एक टिप्स आपको फॉलो करना है कि ऐसे ही लीव्स को हाथों में सजाने के बाद आपको एक स्प्रे करना है वॉलिनी का, और उसके बाद हाथों के ऊपर वैसलीन लगाना है ताकि हर लीव अपने जगह पर स्टिकी रहे। आप जैसे ही हेना लीव्स को हाथों में सजाएंगे वैसे ही कलर आपके हाथों में आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा वो कार्बोल प्लस वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस वीडियो के वजह से कल मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, कोई बोल रहे थे कि बकवास डिज़ाइन है, बकवास आइडिया है। तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ये घर में ट्राई कीजिए, उसके बाद ही कॉमेंट कीजिए। ऐसे ही बनाकर आपको कुछ देर वेट करना है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल बटन भी आपको प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक घंटा हो चुका है, उसके बाद मैंने देखा कि बहुत अच्छा कलर आया है, और वो कार्बोल प्लस कैप्सूल से जैसे कलर थोड़ा डिफ्यूज होता है वो इस पर नहीं हुआ है। एक्चुअली ये कलर कार्बोल प्लस से बहुत ज़्यादा ही अच्छा आया है। आप देख सकते हैं कि वैसलीन लगाने के वजह से ये लीफ इधर उधर नहीं हुआ। एक्चुअली मैं बहुत दिन से इस टॉपिक के बारे में काम कर रही थी कि कैसे एक आसान सा ट्रिक लाया जा सके। ये देखिए, नेक्स्ट दिन मैंने जब देखा और मेहंदी का कलर थोड़ा और डार्क हो गया था और ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।